क्या बात है विनीता, मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? यूं ही कब तक अपना ऐसा मूड बनाकर बैठी रहोगी? मैं क्या तुम्हारी कोई गुड़िया हूं? या तुम जैसा ठीक चाहो वैसा करना होगा मुझे, या मैं तुम्हें अपने दुख का टाइम टेबल दूं? दिश देखो, मैं तुमसे कोई टाइम टेबल नहीं मांग रहा हूं विनीता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम अपने दुखों से बाहर आओ, खुश रहने की कोशिश करो। किस बात पर खुश हो जाऊं मैं रितेश? तुम जानते हो जब किसी इंसान का हाथ या पैर काट दिया जाता है या उसके जिस्म का कोई हिस्सा अलग कर दिया जाता है तो उस इंसान को अपाहिज कहते हैं। मैं भी अपाहिज हो गई क्योंकि मेरे जिस्म से एक हिस्सा काट दिया गया है। उस बात की खुशी मनाऊं मैं? विनीता, ये तुम कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रही हो? अपाहिज वो होता है जो जिंदगी को पास से महसूस नहीं कर पाता। तुम तो सूरज का ढलना और उगना, उसकी प्रतिमा देख सकती हो, पंछियों का चहचहाना सुन सकती हो, छू सकती हो, बोल सकती हो, दौड़ सकती हो, सब कुछ तो महसूस कर सकती हो तुम। कोख में एक बच्चे की लात महसूस नहीं कर सकती मैं? अपने खून से सींचकर एक नए जिस्म का आकार नहीं दे सकती मैं? अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती मैं? और ये सारे एहसास ढलते या उगते सूरज को देखने से ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, समझे तुम? विनीता, तुम मुझसे इतनी ऊंची आवाज में बात क्यों करती हो? जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा क्या कसूर है? अच्छा, मेरा हर वो दुख जिसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, उस दुख को मुझे चुपचाप सहना होगा। मैं रो नहीं सकती, फरियाद नहीं कर सकती, है ना? ये तुम हर बात का उल्टा मतलब क्यों निकालती हो? देखो विनीता, रोने से तुम्हारा दुख कम तो नहीं होगा ना, बल्कि हम दोनों के बीच जो फासला वो और बढ़ जाएगा। हाँ तुम ठीक कहते हो, मैं अपने गम के रास्ते पर अकेली चल रही हूँ। तो क्या चाहती हो तुम, मैं भी तुम्हारे साथ बैठकर रोऊं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कुछ नहीं चाहती। तुम जाओ, जाओ रितेश, मेरे पास रहने की कोई जरूरत नहीं है। जाकर अपना दुख ढूंढो उस श्रेया दलाल के पास। प्रिया, प्रिया क्या है? चल। हाँ, कहाँ? अरे बैकस्ट्रीट बॉयज के शो में जाना है, चलो। बट मेरा प्रोग्राम तो फिक्स है, मैं अपनी मम्मी के साथ बाहर जा रही हूँ। अरे मम्मी ने तुम्हें मैसेज नहीं दिया? अरे हमारा पूरा ग्रुप जाया है, मैं दो पासेस भी लाया हूँ। बट मुझे तो किसी ने मैसेज नहीं दिया, और वैसे भी मेरे फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, इसीलिए प्रार्थना सभा में जाना ही पड़ेगा। मम्मी ने तुम्हें मैसेज नहीं दिया? एक मिनट, मम्मी, मम्मी। क्या बात है बेटा, क्या हुआ? मम्मी, तुमने प्रिया को मैसेज नहीं दिया था कि मैंने बैकस्ट्रीट बॉयज के दो पासेस लाए? दिया तो था, मगर कितना लेट दिया था। तब तक तो मेरा प्रोग्राम मेरी मम्मी के साथ फिक्स हो चुका था। पर आप ये समझेगी ही नहीं, अब तक तो वो अपनी मम्मी की गोद से उतरी ही नहीं है। बेटा तू अकेला ही चला जा। माँ, पर उन पासेस का क्या? मैंने 4,000 रुपए खर्च किए उन पर, और फिर प्रिया का पास तो वेस्ट हो जाएगा ना। तुम एक काम करो, तुम किसी और के साथ चले जाओ। पागल हो गई हो क्या? प्रिया तुम मेरी वाइफ हो, मैं किसी और के साथ कैसे जा सकता हूँ? क्यों, शादी के पहले तुम अपने दोस्तों के साथ नहीं जाते थे? हाँ, मैं अपना प्रोग्राम नहीं कैंसिल कर सकती। ठीक है, अगर तुम्हारे घर में ऐसा चलता होगा तो ठीक है, और वैसे भी तुम्हारा रितेश भैया तो अपनी वाइफ को छोड़ के किसी और के साथ घूमता ही है। मैं भी वैसी करूंगा, फिर बाद में मुझे मत कहना तुम। ये तू क्या बोल रहा है पराग बेटे? And how dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रितेश भैया के बारे में बोलने की? हाँ, you liar, you cheater! जाओ पहले अपने रितेश भैया से जाके पूछो कि वो किसके साथ घूमता है, फिर आके कहना मुझे लायर। रहा पराग गया, तू प्रिया ने जाकर बता दिया कि उसका भाई किसी का सागे घूमे? पापा मैं बहुत गुस्से में था, मैंने कह दिया उससे। अरे बावड़ा है तू, बावड़ा। मैं बोला था तने की बात का पता किसी ने नहीं लगना चाहिए। मैं बोला था कि नहीं, तू जाके प्रिया ने बता दिया।
अरे सारा पब्लू के एक साथ उतरेगा। माया जानकारी निकालो तो कुसुम का वास्ते, और तू प्रिया ने बता के मारा सारा प्लान चौपट कर दिया। ये भी समझ ले, आज के बाद थारी जबान बंद रहेगी, समझा कौनी क्या? मामा, ओ मामा। संदीप, क्या चाहिए तुम्हें? पैसे, what else? तुम्हें तुम्हारी माँ की याद तभी आती है जब किसी चीज की जरूरत हो। नहीं मामा, ऐसी बात नहीं है। देखिए, मोस्टली तो आप ऑफिस में बिजी होती हैं, उसके बाद जब भी फ्री होती हैं तो श्रीचंद मामा जी के साथ पता नहीं क्या सीक्रेट बातें करती रहती है। आप दोनों कहीं कोई है सीक्रेट तो नहीं बच रहा? ये स्टेट सीक्रेट वाली बात कहां से सूझी? मामा, वो कविता है ना, उसके डैडी सीबीआई में, उन्होंने भी ऐसे ग्रुप को पकड़ा है जो इंडिया के सीक्रेट्स बाहर बेच रहे थे। संदीप, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मामा, मुझे कॉलेज जाना ना। संदीप, कल तुम कॉलेज जा रहा हूँ ये कहकर निकले थे, उसके बाद तुम्हारे किसी दोस्त का फोन आया था कि तुम कॉलेज पहुंचे नहीं हो। कहाँ गए थे और किसके साथ? वो मामा, मैं अपने कुछ दूसरे फ्रेंड्स के साथ गया था, फिल्म देखने गया था। झूठ मत बोलो, हमें इंडिया आए हुए सिर्फ 3 महीने हुए हैं, और मुझे ये मनवाने की कोशिश मत करो कि 3 महीने में तुमने आधे शहर को अपना दोस्त बना लिया है। तुम कविता के साथ थे ना? Yes, yes, मामा. Actually, she is very good friend of mine. मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके साथ। प्यार व्यार तो नहीं हो गया उससे? No, I don't think so. ना तो मैंने उससे कुछ कहा ना उसने मुझे। Good. क्योंकि प्यार करने का वक्त भी नहीं है तुम्हारे पास और सहूलियत भी नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए दूसरे प्लान सोच कर रखे हैं। बट मामा, मैं तो मुझे सुनो संदीप, अभी तुम प्रेम जैसे निकम्मी चीज के पीछे दौड़ना चाहते हो, लेकिन उतना याद रखो, प्रेम से बढ़कर भी अगर कोई चीज है तो वो दुश्मनी है। मैं तुम्हें दुश्मनी विरासत में देना चाहती हूँ। क्या दुश्मनी मामा? किससे दुश्मनी? वक्त आने पर बता दूंगी। अभी तो तुम इतना समझो कि प्रेम सिर्फ तुम तक सीमित रह सकता है, वो भी हमेशा के लिए नहीं। दुश्मनी ऐसी दौलत है जो विरासत में दी जा सकती है, उस दौलत को पाने पर नजर रखो। बस प्रिया बस, अब रोना बंद करो। डांटती क्यों? एक तो मुझे इतना रोना आ रहा है और आप मुझे डांट रही हो। ठीक है, नहीं डांटती, बस बताओ क्या हुआ। मम्मी, आपको पता है अलग कितना झूठ बोलता है, हर एक बात में झूठ बोलता है। उसने मुझसे कहा था कि शादी के 1 महीने के बाद हनीमून जाएंगे, मगर आज तक नहीं लेकर गया। तुम तो ऐसे बात करते हो जैसे जिंदगी में कभी घर से बाहर निकली नहीं। पिछले साल हम अमेरिका यूरोप नहीं गए थे? मम्मी, वो तो घूमने गए थे ना, मगर ये तो हनीमून है ना। हनीमून पर नहीं गई जैसे मरी जा रही हो। मैंने तो कभी हनीमून की बात सोची नहीं थी। आप लोग तो बड़े हो, आपको क्या फर्क पड़ता है? प्रिया, जब हमारी शादी हुई थी हम भी छोटे थे। मम्मी, अब आर्ग्यू मत करो मुझसे। आपको पता है जब मैंने उससे कहा था कि मुझे कुछ शॉपिंग करना है, तो कहने लगा कि शादी के पहले इतना सारा शॉपिंग किया था ना, अब आप ही गई। शादी के पहले जो शॉपिंग की थी वो और ये, इसमें फर्क नहीं है क्या? शादी को 1.5 महीना नहीं हुआ और तुम्हें फिर से शॉपिंग करना है? पराग ने जो कुछ भी किया वो गलत नहीं किया। अब आपको पराग अच्छा लगने लगा? हाँ, मैं बुरी? आपको पता है वो अपने घर के बारे में क्या क्या बातें करता है। परसों प्रोग्राम देखने जाना था तो मैंने सिर्फ इतना कहा कि किसी दोस्त को साथ में लेकर जाओ, तो पता है उसने क्या कहा? कि मैं तेरे रितेश भैया की तरह करूंगा तब तुझे समझ आएगी। मैंने पूछा कि मेरे रितेश भैया ने ऐसा तो क्या किया, तो पता है वो क्या कहने लगा? वो कहने लगा कि भाभी, मिसकैरेज के दुख से अभी बाहर नहीं आई, कि किसी लड़की के साथ चक्कर चलाने लगा। अभी आपको पराग अच्छा लगता है क्या मम्मी?
हेलो। हाँ मम्मी जी, रितेश बोल रहा हूँ। बिनीता है? हाँ, एक मिनट बेटे, एक मिनट। बिनीता, बिनीता, रितेश का फोन लो जल्दी। माँ उनसे कह दीजिए मैं बाद में बात करूंगी। अरे ऐसे कैसे कह सकती हो तुम? रितेश एक मिनट रुकिएगा। हेलो हेलो हेलो, हेलो विनीता, रितेश दो दिन से घर नहीं आए। विनीता कहीं उन्हें किसी बात का बुरा तो नहीं लगा ना? पता नहीं, वैसे छोटी बड़ी बातों में बुरा मानना उनका स्वभाव नहीं है। कहीं तुम्हारे साथ तो कोई झगड़ा नहीं हुआ? नहीं। मैं सोच रही थी अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। ठीक है, मगर ऐसा मुंह लेकर तो वहां नहीं जा सकती ना तुम। जरा हंसना खेलना शुरू करो तो मैं तुम्हें वहां भेजूं। मत भेजूं। अरे हाँ, वो तुम्हारी फ्रेंड है ना तृष्णा, उसका फोन आया था। मैंने उसे कहा कि यहाँ आए, तुमसे बातें करे, तुमसे मिले, तुम्हारा मन भी थोड़ा हल्का होगा। ऐसे उदास होकर कब तक घर में बैठी रहोगी? माँ, तुमने ये स्वेटर देखा? इसे बुनते वक्त मैंने रुद के लिए हजारों सपने देखे थे। मैंने अपने बेटे का नाम रुद सोचा था। इसकी हर एक गांठ में मैं रुद के लिए एक सपना बुना था। और जो औरत अपने सपने को उधेड़ रही हो वो हंस कैसे सकती है मां? अब अपने दुख को भूलकर बाहर आने की कोशिश करो विनीता, वरना कहीं कहीं रितेश भी तुमसे बहुत दूर न चला जाए। देखो, जो सामने नहीं होता उसका इंतजार जिंदगी भर किया जा सकता है, लेकिन जो सामने होता है उसका इंतजार बहुत लंबे अरसे तक करना बड़ा मुश्किल है। बेटा रितेश। जी पापा। कहाँ जा रहे हो? अब पापा वो एक मीटिंग है अभी। इतवार के दिन भी काम करते रहते हो? क्या करूं पापा, काम बहुत है। हाँ बेटे, काम का ऐसा है कि जब तक किया ना जाए वो पूरा ही नहीं होता है। लेकिन काम के लिए यहाँ वहाँ सिर्फ घूमते रहना, भागा दौड़ी करते रहना, उससे कोई फायदा नहीं होता है बेटे। लेकिन पापा मैं काम तो करता हूँ ना। हाँ, करते होंगे, जरूर करते होंगे, लेकिन अभी तक तुम्हारा वीकली रिपोर्ट मेरे पास नहीं आया बेटे रितेश। सॉरी पापा, कल तक पहुंच जाएगा। गुड, वेरी गुड। एक और बात रितेश, किसी भी बिजनेस में एडवर्टाइजिंग बहुत ही अहम होता है, जरूरी होता है।
लेकिन सिर्फ वही करते रहने से कोई फायदा नहीं होता है। तुम समझदार हो, फिलहाल तो मैंने तुम्हें यह कहने के लिए रोका है कि विनीता को भी कभी कभार घर से बाहर ले जाया करो, पिक्चर देखने ले जाओ, क्लब ले जाओ, होटल ले जाओ, नाटक देखने ले जाओ। घर में बैठ बैठ कर वो मुरझा रही है बेटे। जी पापा। बेटे रितेश, गणेश जी का चित्र देखा है कभी? देखा है ना जी। उन्होंने अपनी पत्नी रुद्धि, उसे अपनी गोद में बिठाया है, मतलब जानते हो? जो आदमी अपनी बीवी से प्यार करता है, उसे अपने गोद में बिठाता है, उसके लिए उसकी पत्नी रिद्धि सिद्धि समृद्धि सब कुछ है। लेकिन वही जगह किसी गैर को दी गई तो ये समझो कि सब साफ हो गया। जाओ बातें। बिनीता क्या सोच रही हूँ? तुम जानती हो मैं क्या सोच रही हूँ? रितेश के बारे में सोच रही हूँ। मुझे ये डर था माँ कि कभी ना कभी वो मुझसे दूर चला जाएगा। तुमने खुद ने ये वक्त बुलाया है बिनीता। जब रितेश को तुम्हारी जरूरत थी तब तुम अपने आप में उलझी रही। मैंने तुमको पहले ही कहा था ना। तो और मैं क्या करती माँ? हंसती खेलती उसके साथ, पार्टियों में जाती। माँ एक ना एक दिन वो मुझसे दूर चला ही जाने वाला था। मैं उसे अपनी ओर खींच सकती हूँ माँ, लेकिन अपने साथ बांध नहीं सकती, क्योंकि बांधने के लिए मुझे एक परिवार की जरूरत है, और एक परिवार के लिए एक बच्चे की। तो फिर तुम बच्चा गोद लेने के लिए राजी क्यों नहीं हो जाती? माँ इसका जवाब मैं तुम्हें कई बार दे चुकी हूँ। तो आखिर तुम चाहती क्या हो बिनीता? पढ़ी लिखी हो लेकिन कैरियर में कोई इंटरेस्ट नहीं, बच्चा चाहिए लेकिन गोद लेना नहीं चाहती, जीजाजी को बांध कर रख नहीं सकती और खींच कर रखना नहीं चाहती। व्हाई आर यू सो कंफ्यूज्ड? हाँ मिनी। मम्मा प्लीज, मुझे तो बिनीता पर गुस्सा आ रहा है। आखिर पता तो चले ये क्या ढूंढ रही है। नमिता मैं अपना वो सपना ढूंढ रही हूँ जो मैंने अपनी शादी के वक्त देखा था। घर हो तो मेरा अपना हो, मेरे अपने परिवार वाले हो, मेरा अपना पति हो और मेरा अपना एक बेटा। इनमें से अगर एक चीज मेरी नहीं हुई ना तो बाकी का सब कुछ मेरे हाथ से निकल जाएगा। गोद लिए हुए बच्चे को पापा जी या मेरे परिवार वाले कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर वो बच्चा रितेश और परिवार वालों के बीच आया तो रितेश का तो प्यार ही बढ़ जाएगा, वो पूरी तरह से मेरा कभी नहीं हो पाएगा नमिता। और अंत में मुझे दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। बिनीता अगर तुम्हें तुम्हारा खुद का बच्चा चाहिए तो उसका भी एक रास्ता है। तुम 9 महीने के लिए किसी की कोख उधार ले सकती हो। ये क्या कह रही हो मिनी? इसमें चौंकने वाली कौन सी बात है मम्मी? कई लोग ऐसा करते हैं, डॉक्टर टेस्ट ट्यूब में बच्चा तैयार करते हैं और किसी सरोगेट मदर की कोख में उसे रखते हैं बस। अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो ये रास्ता कभी नहीं अपनाती, क्योंकि मेरे ख्याल तुमसे बहुत अलग हैं। लेकिन तुम अगर चाहो तो ये रास्ता अपना सकती हो।